हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, प्राज इंडस्ट्रीज की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है, जो कि स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं कंसोलिडेटेड फिनांशियल रिजल्ट्स में। मिलियंस में नंबर्स दिए गए। इनकम में 1020 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 919 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 838 करोड़ का इनकम था। इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस 907 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 833 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 760 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज के इनकम के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 112.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 85.8 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 78 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में तेजी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लोग इसका नेट प्रॉफिट देखें, 88 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 62 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 57.6 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में तेजी देखने को मिल रहा है। ईपीएस 4.79 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में भी इंक्रीज किया है। तो गाइस, कंपनी का जो रिजल्ट निकल के आया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कंपनी यहाँ पे पेश किया। अगर हम देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे एक और अपडेट आया है कि 4.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड भी यहाँ पे कंपनी ने प्रपोजल लाया है, जो कि एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के, अगर हम यहाँ पे इसका देखें कंपनी का स्टैंडर्ड ऑन फिनांशियल रिजल्ट्स, नंबर मिलियंस में है। इनकम 891 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 813 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 747 करोड़ का इनकम था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में तेजी देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस 793 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 737 करोड़ का और मार्च 22 क्वार्टर में 677 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, जो कि एक्सपेंसेस इनकम के अकॉर्डिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया 97 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 76 करोड़ का और मार्च 22 क्वार्टर में 70 करोड़ का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में तेजी देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है 77 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 55 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 52 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। ईपीएस 4.2 रुपीज़ का है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंपनी का जो रिजल्ट निकल के आया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है। तो अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।